हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है अमित सनोह महावीर सिंह। सब्जेक्ट है मेरा बायोलॉजिकल साइंस। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है सेल या फिर कोशिका, और रोल नंबर है मेरा 5106306, कॉलेज रोल नंबर 1916, और 5 अक्टूबर 2020 की डेट आज हो चुकी है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों, उसका नेम है सेल। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। तो ये हेडिंग जो है आप सभी अपनी नोटबुक में डाल दीजिएगा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेल के बारे में, जिसको बोलते हैं कोशिका। सबसे पहले तो हमारी बात यही आती है कि सेल होती क्या है। तो सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट होती है। बेसिक यूनिट का मतलब क्या है? जैसे कोई घर होता है, उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? ईंट, जिसको बोलते हैं। ईंट जो है किसी घर की बेसिक यूनिट होती है। उसी प्रकार जो है सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट होती है। बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसकी डेफिनेशन जो है इसी भी पर हम करेंगे कि सेल इज द सेल या फिर इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो बेसिक के साथ साथ ये स्ट्रक्चर भी बनाती है अपना और फंक्शन भी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करती है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात आती है इसकी डिस्कवरी किसने की थी। ये डेफिनेशन हो गई, अब डिस्कवरी देख लेते हैं। तो इसकी डिस्कवरी 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की सेल की या फिर कोशिका की। अब हम बात करते हैं जो सेल है ये किस वर्ड से लिया गया है। तो सेलुला वर्ड से ये लिया गया है, जिसका मतलब होता है रूम। वो हम बाद की बात है, बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल को किस के बिहाफ पर जो है अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो वो दो तरह से डिवाइड किया गया है। नंबर एक जो है वो है बेस्ड अपॉन नंबर्स, और नंबर दो किस पे डिवाइड किया गया है? बेस्ड अपॉन न्यूक्लियस। जो सेल होती है उसको दो तरह से डिवाइड किया जाता है, बेस्ड अपॉन नंबर्स एंड बेस्ड अपॉन न्यूक्लियस। तो बेस्ड अपॉन नंबर की हम अगर बात करें सबसे पहले, तो इसको डिवाइड किया गया है यूनिसेलुलर सेल एंड मल्टी सेलुलर सेल। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल, सिंगल सेल, एंड मल्टी सेलुलर का मतलब होता है एक से ज्यादा सेल। तो यूनिसेलुलर सेल की डेफिनेशन होगी द सेल या फिर द सेल विच कंसिस्ट सिंगल सेल, एंड मल्टी सेलुलर द सेल मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। तो यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछ जाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है अमीबा। क्या एग्जाम्पल हो गया? अमीबा। और एग्जाम्पल मैन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो अमीबा ही है। और भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं युगलीना, अमीबा एटसेट्रा। अब मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं एनिमल्स के अंदर, जैसे कि हम ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा टाइप्स की सेल होती है। और सभी की सेल जो है वो अलग अलग कार्य करती है। तो मल्टी सेलुलर सेल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एनिमल हो जाएगा, जिसके अंदर आप ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स। चलो, ये तो इसके हमने बेसिक
नंबर के टाइप्स कर लिए हैं, अब बात करते हैं न्यूक्लियस वाला। बेस्ड अपॉन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं उसके बिहा पर सेल दो तरह की होती है। नंबर एक है प्रोकैरियोटिक सेल और नंबर दो है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस के बिहा पर ये दो तरह की होती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, नॉट वेल डेवलप, नॉट वेल डेवलप, जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है उसको बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि एग्जांपल में बात करूं, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता तो ये कौन सी सेल में हम इसको काउंट करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, जहां पर न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड। तो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड किस में होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो इसका एग्जांपल क्या जाएगा, ह्यूमन बींग। तो ये हमने कर ली है न्यूक्लियस के भाग पर दो तरह की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जिसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक, जिसके अंदर डेवलप होता वो यूकैरियोटिक। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद, ये आपको उम्मीद करूंगा कि अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल। तो आप सभी जो है इसका आंसर जानते भी होंगे, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिसको इसका आंसर नहीं पता है, तो मैं बता देता हूं। लार्जेस्ट सेल वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, हिंदी में बोले तो स्तरु मुर्ग का अंडा। और स्मॉलेस्ट सेल की मैं बात करूं तो ये है माइकोप्लाज्म। ये बात आप में से 99% स्टूडेंट जानते हैं कि लार्जेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच होती है और स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म होती है। लेकिन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते थे पहले, लेकिन अब सभी को पता इसका हो गया है, तो कुछ ना कुछ एग्जामिनर भी डिफरेंट टाइप से अब इसको पूछने लग गया है। तो डिफरेंट टाइप से कैसे पूछा जाता है, जो लार्जेस्ट सेल है एनिमल के अंदर पूछ लिया जाए, एनिमल के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी है। ये तो ओवरऑल हो गई, एनिमल के अंदर हो गई जैसे, ये तो अब पूछ लिया जाता है ह्यूमन बींग के अंदर, ह्यूमन के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ये क्वेश्चन आता है। और आप कराते हैं एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो कि एनिमल के अंदर होती है। ह्यूमन के अंदर बात करें तो ह्यूमन के अंदर होती है एग ऑफ ओवम, एग ऑफ ओवम, ये होती है लार्जेस्ट सेल। और स्मॉलेस्ट सेल की हम बात करें ह्यूमन के अंदर तो ये कौन सी होती है, स्पर्म सेल, स्पर्म सेल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमन के अंदर, आप कराते हैं एनिमल वाला या फिर ओवरऑल जो होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच माइकोप्लाज्म। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है अच्छे से कि ह्यूमन के अंदर पूछा जा रहा है या फिर एनिमल के अंदर पूछा जा रहा है। तो ये हमने जो है बेसिक जाना है आज सेल के बारे में। आगे आने वाली वीडियोज के अंदर हम और भी कुछ इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करूंगा हमारा जो इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप जरूर पूछ लेना। थैंक यू।